Hello friends, Abhishek here and welcome to your channel Happy Fish Keeping Dog Care. आज का टॉपिक हाउ टू केयर योर ब्लैकमोर फिश. अपने ब्लैकमोर फिश को कैसे केयर करें. ब्लैकमोर फिश एक गोल्ड फिश की वैरायटी है जिसको हम टेलीस्कोप फिश भी बोलते हैं. ब्लैकमोर फिश का केयर कैसे करते हैं. इसका केयर थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसके एनवायरमेंट में चेंज होता है तो ये फिशेस डेथ कर जाती हैं. तो आज हम इसके केयर के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले ब्लैकमोर फिश का दूसरा नाम टेलीस्कोप फिश भी है. इसे हम टेलीस्कोप फिश कहते हैं क्योंकि इसकी जो आंख टेलीस्कोप की तरह बाहर आई रहती है तो इसे हम टेलीस्कोप फिश कहते हैं. टेलीस्कोप फिश का केयर तीन चार चीजों पर डिपेंड है, जैसे कि फीडिंग टेम्परेचर, टैंक मेट्स, वाटर चेंज और एनवायरमेंट. तो आज बात करते हैं फीडिंग के बारे में. हम गोल्डफिश को अपने टेलीस्कोप फिश को अच्छा फीड दें, जैसे कि टेट्रा बाइट का एक फीड आता है, आप वो दे सकते हैं या फिर कोशिश करें जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो. फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैकमोर फिश. ब्लैकमोर फिश आपके टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है, तो इसका टेम्परेचर एक एग्जैक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा हीटर लगा के. इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है. इस पे अगर ये रहेगी तो ये काफी टाइम तक जिएगी. इसका मैक्सिमम एज है 20 ईयर. ये 20 साल तक ये फिशेस जी सकती है अगर हम इसे अच्छे से केयर करें तो. इसीलिए हमको इसके टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखना होगा. टेलीस्कोप फिश के टैंक मेट बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि टेलीस्कोप फिश में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन लगने का चांसेस होते हैं. जब इसका फंगल इन्फेक्शन लगता है तो ये जो फिश है इसके बॉडीज पे वाइट वाइट होते होते इसके फेस तक आता है और ये एक्सपायर हो जाती है. तो फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसे हमें टैंकमेट्स, प्रॉपर टैंकमेट प्रोवाइड करना पड़ेगा. प्रॉपर टैंकमेट्स में आप सिर्फ गोल्डफिश की वैरायटी रखिए, जैसे कि गोल्डफिश, ब्लैक मोर और अंडा गोल्डफिश, लॉयन हेड गोल्डफिश, काफी तरह की गोल्डफिश आती हैं, आप उन्हें गोल्डफिश के साथ रख सकते हैं. वाटर एनवायरमेंट, आप कोशिश करिए कि आपका जो टैंक हो वो विंडो, डोर और डायरेक्ट सनलाइट में ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि भले ही आप हीटर लगाए हैं अपने टैंक में बट सडन वाटर चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी गोल्डफिश डेथ कर जाएगी. तो आप उसे किसी ऐसे एरिया में रखिए जहां की सन रे डायरेक्ट एक्वेरियम को हिट ना करती हो. जब आपके एक्वेरियम में ब्लैकमोर हो तो हैवी वाटर चेंज ना करें, उसकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आएगा, उसकी वजह से आपकी फिशेस डेथ कर सकती है और ये काफी टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर आप बार बार वाटर चेंज करेंगे. वाटर आपको कैसे चेंज करना है मैं हर एक वीडियो में आपको बताया हूँ. कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार वाटर चेंज करिए, वो भी 40% वाटर. ये 100% है तो आपको 100% नहीं करना है, आपको 40% वाटर करना है. 40% वाटर करना है कि जो वाटर नया और पुराना हो वो दोनों मिक्सअप होके मैनेज कर ले टेम्परेचर. और कुछ मैं एडिशनल पॉइंट आपको बता देता हूँ जो कि एक फैक्ट्स है. ब्लैक मोर फिशेस जो होती है उनकी आई साइट बहुत ही कमजोर होती है. ये इसलिए होता है क्योंकि इनका टेलीस्कोप की तरह आंख बाहर निकली रहती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी प्रॉब्लम होता है लॉन्ग टाइम तक अपने आई को मेंटेन करने के लिए. तो ये आपको कोई नहीं बताया होगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ. टेलीस्कोप फिश 8 to 9 inch तक ग्रोथ हो सकती है. ये मेरे हथेली इतनी तक आराम से बढ़ सकती है अगर मैं इसे अच्छे से केयर दूं. अभी इस फिश को मेरे पास 1 ईयर हो गया है. जब मैं इसे अपने घर लाया था तो ये करीब 1 inch की थी. 1 to 1.5 inch की फिशेस मैंने अपने एक्वेरियम में रखा, अभी देख रहे हैं ये 3 inch की हो चुकी है. और ब्लैकमोर फिशेस की खासियत क्या होती है, ब्लैकमोर फिशेस का जो पंख होता है वो काफी अच्छे से लहराता रहता है, तो जो ओनर हैं, हॉबीस्ट हैं, वो काफी ज्यादा इससे अट्रैक्ट होते हैं बट काफी टाइम तक ये डेथ कर जाती है. जैसे कि मैं भी काफी दिन तक ब्लैकमोर रखने की कोशिश किया था, लेकिन मैं 4 बार ब्लैकमोर लेके आया बट वो हर बार डेथ कर जाती थी किसी ना किसी कारण से. मुझे नहीं पता चलता था क्योंकि मैं उस टाइम तक नया था. जब मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते गया उसके बाद
मुझे इन चीजों के बारे में पता चलते गया और मैंने उसी तरह जैसे आपको बताया है उसी तरह मेंटेन किया, तो आज ये फिशेज ऐसे हैं और मेरे पास अभी 3 एक्वेरियम और हैं। आप वीडियो में देखे होंगे मेरे 3 एक्वेरियम और ये मेरा 4th एक्वेरियम है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको बनवाना है।